रुचिज वर्चुअल कुकबुक में आपका स्वागत है। बेकिंग एक आर्ट है। जब भी मैं बेकिंग करती हूँ मुझे बेहद सुकून मिलता है, क्योंकि मैंगो सीजन में है तो आज मैंगो यूज़ करके मैं बना रही हूँ एक केक, और इसे ट्विस्ट देने के लिए मैं इसमें मक्का भी यूज़ कर रही हूँ। तो आइए बनाते हैं मैंगो कॉर्न केक। मैंगो केक बनाने के लिए हम सबसे पहले मक्के को ग्रेट करेंगे। ये मैंने ताज़े मक्के लिए हैं, इनको छील लिया है, तो इसे मैं कद्दूकस करूँगी। जो बारीक वाला पार्ट है उससे करूँगी। आप चाहें तो इसके दाने निकाल के इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं। ये एक कप ग्रेटेड मक्का है। इस एक कप मक्के के लिए मुझे टोटल 4 मक्कों की ज़रूरत पड़ी। ये डिपेंड करता है कि आपके मक्के में कितने दाने हैं, तो आपको एक कप ग्रेटेड मक्का चाहिए। ये हम केक में यूज़ करेंगे। मक्का हमारा तैयार हो गया है। अब हम आम के प्योरे बनाएंगे। तो इसके लिए हम आम को पहले छील लेंगे। आप कोई भी अच्छा आम ले सकते हैं, मीठा आम जो हो, और ध्यान रखें कि उसमें रेशा नहीं हो। तो आम को हम पहले छीलेंगे, अच्छे से इसका छिलका निकाल लेंगे। अगर आप रेशे वाले आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें उसको छान लें, क्योंकि अगर रेशा केक में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने 2 आम काट लिए हैं, इनके मैं प्योरे बना रही हूँ। मुझे 1 कप प्योरे की ज़रूरत है। अभी इस बोल में मैं दही डाल रही हूँ। इसके लिए हमें 1 कप दही चाहिए। 1 कप दही में 1 कप चीनी में डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें दही और चीनी को तब तक घोलना है जब तक चीनी दही में घुल ना जाए। तो हमारी चीनी दही में घुल चुकी है। अब इसे हम थोड़ा साइड में रख देंगे और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान लेंगे। ये 1/2 कटोरी मैदा मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1/2 कटोरी सूजी ले रही हूँ, इसे हम छान लेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी नमक डालूँगी। वो कहते हैं कि किसी भी मीठे में अगर हल्का सा नमक डाल दो तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। 1 टीस्पून मुझे इसमें बेकिंग सोडा डालना है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगा। अब इसे अच्छे से हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हमारे मैदा सूजी आटे में कुछ गांठें होती हैं, वो गांठें ना रहें और स्मूथ हो जाए हमारा इंग्रेडिएंट, और थोड़ा सा एयर भी ट्रैप हो जाती है छानने से, इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी इसमें अच्छे से मिल जाए। इससे पहले कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें, ये हम अपना बेकिंग टिन तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और इसे हम अच्छे से हाथ से पूरा मिला लेते हैं। ये साइड में भी अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये बटर पेपर मैंने लिया है। बटर पेपर को ये देखिए आप इस तरह रख के इसका साइज नाप सकते हैं, और राउंड में
इसको परफेक्ट शेप की जरूरत नहीं है। बटर पेपर बेसिकली हम अपने टिन को सेव करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यूं तो हम जैसे हमने ये ग्रीस किया है इसे थोड़ा सा मैदा इसमें लगा के अच्छे से इसे डस्ट कर दें, वैसे भी हम यूज कर सकते हैं इसे, लेकिन बटर पेपर यूज करने से क्या होता है केक ज्यादा आसानी से निकलता है और हमारा टिन भी सेव हो जाता है। कई बार क्या होता है कि केक चिपक जाता है या कई बार जल जाता है, तो उससे हमारा टिन बार बार यूज करने से खराब होने लग जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करें, अगर बटर पेपर है आपके यहाँ तो आप बटर पेपर यूज करें। तो ये मैंने रफली इसके साइज का काट लिया है, साइड में जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा केक जब बेक हो जाता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो साइड वैसे ही छोड़ देता है और हमने इसे ऑलरेडी ग्रीस कर दिया है तो हमें साइड में बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इसमें बटर पेपर लगा दिया है, देखिए। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, क्योंकि अब हमारा काम बस एक ही रह गया कि हमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और अपने पैन में डालना है। तो मैंने ऑलरेडी अपना अवन रीहीट करने रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। अब ये मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी। ये दही और चीनी का मिश्रण है हमारा, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये कॉर्न, ये मक्का जो हमने ग्रेट किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, ये इसमें डाल दिया, और एक टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी शुद्ध घी, देसी घी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब ये धीरे धीरे हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये मिक्सचर पतला है, लेकिन सूजी क्योंकि फूलती है तो बाद में ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब इसमें हम ये आम की प्योरे भी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पतला है, मैं हल्का सा मैं दूध और डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून करीब दूध डालूंगी मैं इसमें। दो टेबलस्पून दूध डाल दिया मैंने इसमें। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डालना ही है, अगर है तो डालिए, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। मैंगो एसेंस नहीं है आपके पास तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब ये एक टीस्पून मैंने विनेगर लिया है, मैं इसका आधा इसमें डाल रही हूँ और आधा मैं इसके केक टिन के ऊपर डालूंगी। ये हमारा जो विनेगर है वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पोर कर रही हूँ, ड्रॉप ड्रॉप। अब इस केक को मैं बेक करने के लिए आधा घंटा के लिए मैं इसे बेक करने रख रही हूँ। आधे घंटे बाद मैं चेक करूँगी, अगर इसमें बेकिंग में कुछ कसर रह गई हो तो मैं इसे 10 मिनट और बेक करने रखूँगी। केक हमारे बेक हो गए हैं, ये केक में से कुछ बैटर निकाल के मैंने इस वाले पैन में डाला था, तो हमारे 2 केक बने हैं। ये देख सकते हैं कि साइड इन्होंने छोड़ दी है केक ने, पैन से भी चिपके हुए नहीं है, दोनों केक ने साइड छोड़ दी है पैन से, और ये हम इसमें इसको पोक करके देख रहे हैं नाइफ को, तो इसमें कुछ चिपक नहीं रहा है,
तो ये शो करता है कि हमारे केक बेक हो चुके हैं, लेकिन हम इसे अभी निकालेंगे नहीं, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम पैन से केक को निकालेंगे। मैंगो केक तैयार है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसे और फ्लेवरफुल और मैंगो के टेस्ट से सराबोर करने के लिए मैं इसमें आइसिंग भी करूंगी। वीडियो के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने आइसिंग किस तरह की है। आपको मैंगो केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आपका दिन ताजगी से भरा रहे यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह की फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के लिए रुचिज़ वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें।